गाइस, क्या आप स्लेंडरिना के बारे में जानते हो? ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बचपन में हमने इस गेम को बहुत बार खेला है और हमारी फटी भी है। क्या आप लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट की एक श्रापित शीट के अंदर स्लेंडरिना आज भी एग्जिस्ट करती है? तो गाइस हाँ, आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट की एकदम डार्क और डिस्टर्बिंग मिस्ट्री को, जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की नींद उड़ा देने वाली मिस्ट्रीज को जानने के लिए। तो गाइज, माइनक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग मिस्ट्री जो रिलेटेड है स्लेंडरिना से, गाइज माइनक्राफ्ट की इस श्रापित शीट में स्लेंडरिना आज भी एग्जिस्ट करती है। सो गाइज, स्लेंडरिना की ये स्कैरी स्टोरी स्टार्ट होती है दो दोस्तों से जो नॉर्मली माइनक्राफ्ट खेल रहे थे। उस समय तो उनका माइनक्राफ्ट पीसफुल चल रहा था, बट उसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए और फिर उनके साथ ये हुआ। तो गाइस देखते हैं कि माइनक्राफ्ट के अंदर स्लेंडरिना एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। तो गाइस, मैं उसी शीट के अंदर स्पॉन हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ क्रीपी नहीं लग रहा है। गाइस यार क्रीपी, यार ये क्या है, रेडस्टोन ब्लॉक्स। ओ भाई, यहाँ पे स्केलेटन हेड्स भी हैं, ये देखो। एंड वेट, मैं किसके ऊपर खड़ा हूँ? ओ माय गॉड, मैं रेडस्टोन ब्लॉक के ऊपर स्पॉन हुआ हूँ। यार यहाँ तो कुछ तो क्रीपी है यार, वो कुछ क्या यार, वो सब कुछ ही क्रीपी लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं स्पॉन होते ही थंडर वाली बारिश भी यहाँ होने लगी है। यार सबसे पहले जल्दी से टूल बनाते हैं, यार सामने आप लोगों को दिख रहे हैं मॉब्स भी बहुत सारे, जल्दी से टूल बनाता हूँ। वेट गाइस, मैं कुछ तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ओ माय गॉड यार, मैं कुछ तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? बे यार, इस ग्रास को तोड़ के देखता हूँ। बे यार, मैं इसको भी नहीं तोड़ पा रहा यार, अब क्या करूँगा यार, ये स्लेंडरिना आए ना आए लेकिन ये मॉब्स जरूर मुझे मार देंगे यार। बे यार, मुझे लिटरली डर लग रहा है। आप देखो एक बार यार, कितने सारे रेडस्टोन ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। एंड वेट गाइस, सामने की तरफ मुझे रेडस्टोन टॉर्चेस भी दिखी हैं गाइस। यार कुछ तो यार, ओ भाई कितनी कड़ी बिजली कड़की है यार, लिटरली डरा दिया इसने तो मुझे यार। ओ भाई, मुझे यार लिटरली यार डर लग रहा है यार, कैसी जगह में स्पॉन हो गया हूँ। गाइस इस सीड को आप लोग भी यूज़ करना यार। माय गॉड गाइस, एक रेडस्टोन टॉर्च, दो, तीन, गाइस मुझे लग रहा है आगे भी रेडस्टोन टॉर्चेस हैं यार। क्या करूँ यार, पीछे से यार वो ड्रोन, मतलब वो वाला पानी वाला ज़ॉम्बी आ रहा है यार, तो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा यार, वरना वो मुझे मार देगा। और गाइस यहाँ पे तीन नहीं है, यहाँ पे तो और भी है रेडस्टोन टॉर्चेस। बे यार, कितनी रेडस्टोन टॉर्चेस हैं यार, मुझे लिटरली डर लगने लगा है। और अब आई थिंक यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्चेस होता ही है गाइस। गाइस अब नहीं है यहाँ पे एक भी रेडस्टोन टॉर्चेस। एंड वेट गाइस, रेडस्टोन टॉर्चेस हैं यार, वो नीचे की तरफ जा रही हैं, आई थिंक केव है नीचे। गाइस वो देखो नीचे की तरफ भी जा रही है, केव के अंदर। यार केव के अंदर यार कोई मॉब ना हो यार, मॉब क्या यार, वही स्लेंडरिना हुई तो यार मैं ख़त्म यार, आज ही ख़त्म यार। यहाँ तो कितने सारे स्केलेटन हेड्स रखे हुए हैं यार, लिटरली मुझे डर लग रहा है यार, सामने की तरफ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, जाऊँ नहीं जाऊँ यार, जाना तो चाहिए यार, एक बार जाके देखते हैं। माय गॉड यार, मुझे लिटरली डर लग रहा है गाइस, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और गाइस सामने की तरफ कुछ तो है, सामने की तरफ आपको एक अलग सा ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या चीज़ है? इसको ओपन करते, ओ भाई ये तो सल्कर है यार। ओ मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मुझे, ओ वेट, ये मैं कहाँ आ गया गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो नीचे सारे रेड स्टोन ब्लॉक्स ही रखे हुए हैं एंड मैं नीचे आ गया हूँ या गाइस मैं ऊपर, अच्छा ये रास्ता है ऊपर। अबे यार ये तो बंद है यार नीचे, क्या करूँ यार, मैं नीचे अटक गया हूँ, ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बट सामने कोई रास्ता है, आई थिंक मैं यहाँ से बच सकता हूँ। यहाँ पे भी रेड स्टोन ब्लॉक्स और भाई रेड स्टोन डस्ट भी है यहाँ पे तो। माय गॉड, मुझे लिटरली डर लगने लगा है, तो अब मैं सही बता रहा हूँ, मुझे सही में डर लग रहा है। और वेट, ये क्या हो गया? ओ भाई, यहाँ पर एक तो पोर्टल है और अगर ध्यान से देखूँ तो गाइस ये नेदर पोर्टल ही है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये नेदर पोर्टल है, इसके ऊपर से लगे हुए हैं ये रेड स्टोन ब्लॉक्स। गाइस जितना तो मैं समझ गया, नेदर पोर्टल है ये, इसका मतलब हम नेदर में जा सकते हैं इसकी मदद से। और गाइस यहाँ पे ये आग जल रही है, ये क्यों जल रही है यार, यार इसका क्या मतलब है? और गाइस मैं इस समय बेड रॉक में आ चुका हूँ गाइस, नीचे अगर नीचे बेड रॉक है और इतना नीचे यार, ये किसने बनाया हो? ओ भाई 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 भाई, ये क्या हो गया गाइस? अब मेरे पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा नेदर के अंदर। गाइस मैं ऊपर भी नहीं जा सकता यार, क्या करूँ यार, क्या करूँ, अब मुझे नेदर के अंदर जाना होगा फाइनली, यही मेरा डिसीजन है, मैं नेदर के अंदर कुछ नहीं होगा। वेट, मैं ये कैसी जगह आ गया हूँ यार, मेरा स्टेचस बार भी नहीं दिखा रहा, आई मीन मेरा हेल्थ बार भी नहीं दिखा रहा, ना इन्वेंटरी दिखा रहा है यार, कैसी सी जगह आ गया यार, ये अजीब सा साउंड भी यार यहाँ पे आ रहा है। बे यार ये कौन सा रूम है, कहाँ हूँ, मुझे लिटरली नहीं मालूम, मैं तो नैदर में आने वाला था, नैदर पोर्टल था वो,
क्या वो नेदर पोर्टल नहीं था? और ये क्या चीज है गाइस? ओह माय गॉड यार, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा अब तो यार। कहाँ आ गया यार ये सिलेंड्रीना वाली जगह है यार? ओह माय गॉड यार, सिलेंड्रीना यहीं कहीं है, सिलेंड्रीना यहीं कहीं है यार। लिटरली डर लगने लगा अब तो। ये डोर तो ओपन हो गया, एटलीस्ट ये डोर तो ओपन हो गया यार। बस बस, बस यहाँ पे कुछ तो है। ओह माय गॉड यार, ये सिलेंड्रीना यार इतनी बार बार यार। ओह माय गॉड यार, ये सिलेंड्रीना यार दूर हो जाए यार। अबे यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये क्या हो रहा है? अबे यार गई 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 सिलेंड्रीना गई यार। गाइस मुझे की तो मिल चुकी है इस डोर की, डोर अभी खुल नहीं रहा था। और गाइस ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गेम को क्विट कर रहा हूँ बस। गाइस लिटरली इससे ज़्यादा मैं उस गेम को और नहीं खेल सकता। एंड गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो यार, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। और गाइस चैनल भी सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की नींद उड़ा देने वाली वीडियोज़ देखने के लिए।